हाथ और जोग का अर्थ है पैर। इस पद्धति में इलाज असरदायक होता है और रोगी को तुरंत आराम मिलता है। इस पद्धति में इलाज शरीर के छोटे से छोटे हिस्से का भी किया जा सकता है। अगर शुरुआत में रोगी इसकी मदद ले तो चमत्कारी लाभ होता है। इस पद्धति को कोई भी व्यक्ति थोड़ी लगन व मेहनत से आसानी से सीख सकता है। समय समय पर हाथ और पांव को कई तरह की चिकित्सा पद्धतियों में काम में लिया गया है, लेकिन सुजोग अनिला जी, हम ना ये फेसबुक नहीं कर पाए थे, अभी हमने फेसबुक ऑन किया है, तो आप फिर से बता दीजिएगा थोड़ा, तो पूरी जानकारी जाएंगी लोगों को। जी जी मनुष्य के हिसाब से बोले थे ना आपने स्टार्टिंग जो किया। जी जी, इस संसार की श्रेष्ठतम रचना मनुष्य का शरीर है। स्वस्थ शरीर मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मनुष्य स्वस्थ रहे इसलिए प्रकृति ने मनुष्य की हथेली और तलवों में प्रतिबिंबित केंद्र स्थापित किए हैं, जिससे मनुष्य सरल तरीके से स्वयं का इलाज कर सके और स्वस्थ जीवन जी सके। सुजोग पद्धति शारीरिक व मानसिक दोनों स्तर पर सभी तरह की बीमारियों का इलाज करती है। सुजोग की खोज प्रोफेसर डॉक्टर सरपार जीव ने की है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उन्हीं से सीखने का मौका मिला। घर में एक भी व्यक्ति अगर इस पद्धति का जानकार हो जाता है तो रोजमर्रा की बीमारियों का हम आसानी से इलाज कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। शारीरिक स्तर पर इलाज प्रतिबिंबित केंद्रों पर दबाव यानी प्रेशर देकर अनाज के दाने से, प्रॉब से, जिमी से, बीज से, कंकर, दाना मेथी, मैग्नेट, कलर पेन, मॉक्सा, टैपिंग, निडल, कपिंग, ताइची यानी ट्विस्ट थेरेपी से किया जा सकता है। तो जो कोरियन भाषा का शब्द है, सु का अर्थ है हाथ और जोग का अर्थ है पैर। इस पद्धति से इलाज असरदायक होता है, रोगी को तुरंत आराम मिलता है। इस पद्धति में इलाज छोटे शरीर के छोटे से छोटे हिस्से का भी किया जा सकता है। अगर शुरुआत में ही रोगी इसकी मदद ले तो चमत्कारी लाभ होता है। इस पद्धति को कोई भी व्यक्ति थोड़ी लगन और मेहनत से सीख सकता है। समय समय पर हाथ और पांव को कई तरह की चिकित्सा पद्धतियों में काम में लिया जाता है, लेकिन सुजोग में मनुष्य के शरीर के अनुसार हाथ और पांव के प्रतिबिंबित केंद्रों में पूर्ण समानता रहती है। इसी तरह कान का आकार माँ के पेट में बच्चे के उल्टे आकार के समान है। इसी बात को आधार मानकर चिकित्सा करके प्रतिबिंबित केंद्रों पर प्रेशर दिया जाता है जो तुरंत आराम देता है। मनुष्य के शरीर को मुख्यतः 6 हिस्सों में बांटा गया है, सिर और गले तक, दूसरा बीच का पूरा शरीर, तीसरा दोनों हाथ और पांचवा छठा दोनों पैर। सिर हाथ और पांव से लंबाई में छोटा होता है लेकिन ज्यादा मजबूत और मोटा होता है। अंगूठा चारों उंगलियों की अपेक्षा काम में मदद करता है और उनको नियंत्रित करता है। पूरी समानता के लिए अंगूठे को शरीर के इस हिस्से पर होना था, लेकिन हाथों की को नियंत्रित करना और हाथों से काम करने के लिए प्रकृति ने हमें अंगूठा इस जगह पर दिया है। अब मैं आपको इसके मनुष्य के शरीर में जब तक एनर्जी का प्रवाह सामान्य रहता है व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जब एनर्जी का प्रवाह कम या ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। इस पद्धति से एनर्जी के प्रवाह को सामान्य करके व्यक्ति को स्वस्थ बनाया जा सकता है। इस पद्धति में मुख्यतः 12 मेरिडियन से इलाज किया जाता है। लंग्स मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, ब्रेन मेरिडियन, स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, लिवर मेरिडियन, गॉल ब्लैडर मेरिडियन, स्प्लीन मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन, किडनी मेरिडियन, यूरिनरी ब्लैडर। सबसे पहले हमें बीमारी के प्रतिबिंबित केंद्र को देखना होगा।
वह यिन दिशा यिन में है या यांग दिशा में आएगा, ये तय करने के बाद हमें उसकी सही प्रथम उंगली को ढूंढना होगा और उस पर प्रेशर देना होगा, उसके साथ ही उसके दर्द के पॉइंट को खोजना होगा। इसी तरह अगर पैर में दर्द है तो पैर की प्रथम उंगली को पकड़ना होगा, उसमें खोज कर उस बिंदु को ढूंढना होगा जहां पर दर्द है, और दबाव देकर हम इलाज कर सकते हैं। दबाव देते समय मरीज के चेहरे को देखना चाहिए, वो कितना दबाव सहन कर सकता है। बच्चे और बड़ी उम्र के लोगों को दबाव कम ही देना चाहिए। इस पद्धति में नवजात शिशु का भी इलाज किया जा सकता है। नवजात शिशु पर इस पद्धति का असर तुरंत होता है, ऐसा मैंने कई बार अनुभव किया है। इस पद्धति ये एक सुजोग काफी लंबा प्रोसेस है सीखने के लिए, लेकिन मैंने सब जने आसानी से समझ सके इसलिए मैंने इसको आसान थोड़ा छोटा करके और सबको समझने लायक बनाया है। मैं बहुत सारे साधु संतों को सिखा चुकी हूँ और इसी आसानी से वो सीख जाते हैं। आपको भी मैं ये सिखाना चाहती हूँ ताकि आप सब महसूस कर सकें और इसको बहुत आसानी से सीख सकें। इसमें सबसे पहले मरीज सभी लोग यदि पेन और डायरी ले सकें तो ले लें, लिखना चाहे तो लिख लें, धीरे धीरे बताएंगे अनिला जी, सभी लोग उसका लाभ ले सकते हैं। पेन डायरी में कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं आप लोग। दीदी समझ आ रहा है ना? हाँ एकदम समझ भी आ रहा है, इसलिए पॉइंट आपको जो बता रहे हैं कि 12 पॉइंट हैं, 12 कौन कौन से पॉइंट हैं और उसके लाभ कैसे आप ले सकेंगे, ले लीजिए। आप धीरे धीरे बताइए, नहीं होगा तो एक दिन और कर लेंगे आधा, लेकिन आप लोग उसको अच्छे से लिख लीजिए। चलिए जी, हम मरीज का हाथ अपने हाथ में लेकर ये महसूस करेंगे कि अगर मरीज का हाथ ठंडा है इसका मतलब कोल्ड एक्सेसिव है। इसमें हमें किडनी में ब्लैडर का इलाज करना होगा। मरीज का हाथ रूखा है मतलब ड्राइनेस एक्सेसिव है, इसमें लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का इलाज करना होगा। मरीज का हाथ नम यानी पसीने का आभास होता है तो ह्यूमिडिटी एक्सेसिव है, इसमें स्टमक या स्प्लीन मेरिडियन का इलाज करेंगे। मरीज का हाथ यदि गर्म है तो हार्ट एक्सेसिव है, इसमें हमें स्मॉल इंटेस्टाइन या हार्ट मेरिडियन का इलाज करना होगा। मरीज का हाथ ध्यान से देखने पर अगर खटखट की आवाज आए तो इसका मतलब विंड एक्सेसिव है, इसमें हमें लिवर और गॉल ब्लैडर मेरिडियन का इलाज करना होगा। अब मैं आपको अपने हाथ में वो जगह बताती हूँ जिससे आप सीख सकें और आप खुद इलाज कर सके। मैंने ये कोर्स 96 में किया था और मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि इसका इलाज बहुत आसानी से और तुरंत होता है, और बाकी का काम अर्चना जी करते हैं हीलिंग देकर। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आप सब लोग अपने हाथ में देखिए, अपने अंगूठे में एक पॉइंट है जो उठा हुआ है, यहाँ पर एक अपने अंगूठे को साइड से देखने पर एक पॉइंट थोड़ा सा निकला हुआ है। आपको दिखा, ये पॉइंट सुजोग के हिसाब से हम इसको नाक मानते हैं। इसके ऊपर दोनों साइड हमारी आंखें हैं, यहाँ पर दोनों कान आ जाते हैं और ये ऊपर का हिस्सा ये हमारा सिर है। देखिए उठा हुआ हिस्सा नाक है, इससे सब लोग आसानी से समझ सकते हैं और हर अंगूठे में ऐसा होता है। साइड में दोनों आंखें हैं, इधर कान का पॉइंट आ गया है और ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा सिर का पॉइंट है। ये इसके नीचे हमारे दांत आ गए, मुंह और दांत। इस सुजोग पद्धति मुझे इसलिए पसंद है कि इसमें अपने 32 दांतों में से किस दांत में दर्द है वो पॉइंट भी मिल जाता है। ऊपर के दांत में दर्द है, नीचे के दांत में दर्द है, साइड के में है, वो पॉइंट एक्यूरेसी इसमें बहुत ज्यादा है। उसके बाद ये गला आ गया, ये हमारा ये हिस्सा है, इसके नीचे का यहां तक का हिस्सा इसमें यहां मिलेगा। एक बार वापस रिपीट करूं? हाँ जी। अपने अंगूठे में ये उठा हुआ हिस्सा हमारी नाक है,
ये सबसे पहली पहचान है, इससे अपन पॉइंट आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये दोनों आंखें हैं हमारी, दिख रहा है सबको? दिख रहा है, दिख रहा है जी। ये गले का पॉइंट आ गया, ये गर्दन का पॉइंट आ गया, ये नीचे का हिस्सा ये वाला है, ये वाला हिस्सा हमारे दोनों लंग्स, जिसकी कोरोना में सबको बहुत मुश्किलें हुई हैं, ये लंग्स का पॉइंट है। इसके बाद यहां तक अपना ये वाला हिस्सा आ गया डायफ्राम के ऊपर का। फिर हम हाथ को ऐसा महसूस करेंगे तो हमारे दोनों लंग्स इस जगह पर आ जाते हैं इधर, और ये हार्ट आ गया यहाँ पर। अगर किसी को सांस उठता है, कफ खांसी है, जुखाम है, तो लंग्स में कफ हो जाता है, तो ये जरूर पेन करेगा उसको दबाने पर। ये नीचे का हिस्सा आ गया, यहाँ लिवर आ गया अपना, और ये पूरी बॉडी यहाँ का, ये जेनेटिक ऑर्गन आ गए। अगर किसी को ये यूरिनरी ब्लैडर, लेडीज प्रॉब्लम, सब यहीं से होती है। ये दोनों हमारे हाथ हैं, जो बाहर की तरफ निकले होते हैं नेचर से, ये दोनों हाथ कहलाते हैं। ये दोनों बीच के पैर हैं, ये पैर हम इस तरह हाथ रखेंगे तो ये दोनों पैर आ गए, ये दोनों हाथ आ गए। हमारे हाथ के तीन हिस्से हैं, एक, दो, और ये तीसरा। हमारी उंगलियों के भी तीन हिस्से हैं, एक, दो और तीन। एक बार वापस बता दूं दीदी? हाँ बताइए 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 जी। ये देखिए, ये वाला हमारा नाक का हिस्सा है जो उठा हुआ है। इसके दोनों साइड आंख होती है, जिस तरह हमारे चेहरे पर होती है। ये साइड में दोनों कान है। ये हमारा मुंह का हिस्सा आ गया, दांत और मुंह। ये गले का हिस्सा है। ये दोनों लंग्स आ गए यहाँ पर, और ये हार्ट है। लंग्स के साइड में अपने हार्ट होता है, बीच में थोड़ा साइड और बीच में। ये ये डायफ्राम के ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है। इसमें अपनी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जेनेटिक ऑर्गन सब इस हिस्से में आ जाते हैं। ये अपने दोनों हाथ बाहर की तरफ है, ये दोनों उंगलियां भी हाथ को बताती हैं। ये दोनों पैर जो बीच में होते हैं, अपन चलते हैं तो ये दोनों पैर। अब हाथ के तीन हिस्से हैं, कंधे से कोहनी तक, कोहनी से कलाई तक, कलाई से उंगलियों तक। ऐसा ही उंगलियों में तीन हिस्से हैं। अगर ये हाथ हो गया, और ये अब जिसका अपना अपन लेफ्ट हैंड कर रहे हैं, तो बड़ी उंगली उसी हाथ को इंडिकेट करेगी। इस हाथ में राइट हैंड के लिए ये उंगली काम में आएगी, छोटी वाली। ये दोनों हमारे पैर हैं, पैर में भी तीन हिस्से हैं। ये थाइस, ये घुटने से नीचे का हिस्सा, और ये एड़ी से पंजा। ये दूसरे पैर में भी ऐसा ही है, ये जांघ, ये पिंडलियां, और ये एड़ी से आगे का हिस्सा। ये हमारा घुटना होता है, ये एड़ी का है, और ये सुजोग की भाषा में इस हिस्से को यिन कहते हैं, और इसको यांग कहते हैं। जो हिस्सा बाहर की तरफ दिखता है वो यिन कहलाता है, जो हिस्सा ढका हुआ रहता है, जो हिस्सा ढका हुआ रहता है वो यिन कहलाता है, और जो खुला रहता है वो यांग कहलाता है। आजकल अपने परिवारों में सबसे ज्यादा जो परेशानी आ रही है वो घुटनों के दर्द की है। घुटनों के दर्द के लिए मैंने इतने लोगों को इलाज किया दीदी, ऑपरेशन वाली स्थिति में आने के बाद भी मरीज वापस नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत। तो इसके लिए बड़ी आसानी से इसमें इलाज हो जाता है। ये घुटने के पॉइंट है, ये दोनों हाथ के पॉइंट है, और ये फेस का आपको सबको समझ में आ गया है? हाँ, सबको। अब हमारा गर्दन का आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम है,
उस पे मोबाइल पे या लैपटॉप पे बैठते हैं तो गर्दन में दर्द होता है। चलिए एक बार वापस दिखा दीजिए, शायद कोई कह रहा है, वापस बताइए। जी बताते, देखिए अपने अंगूठे में एक उठा हुआ एक पॉइंट है, ये साइड से देखने पर सबको दिखेगा और हर हाथ में होता है, इसको हम नाक का पॉइंट मानते हैं। ये दोनों हमारी आंखें हैं, ऊपर का हिस्सा सिर का है और ये नाखून वाला हिस्सा ये वाला हो गया सर का, और ये दांत है, ये गर्दन हो गई है, ये वाला हिस्सा दोनों लंग्स हैं, यहां पर हार्ट का पॉइंट है, हार्ट होता है यहां, ये डायफ्राम के ऊपर का हिस्सा है यहां से ऊपर का, और ये नीचे का हिस्सा है, यहां पर जेनेटिक ऑर्गन्स आ जाते हैं। अपने दोनों हाथ बाहर की तरफ हैं तो ये दोनों हाथ हो गए, ये बीच में दोनों पैर होते हैं। अपने हाथ के तीन हिस्से हैं, कंधे से कोहनी तक, कोहनी से कलाई तक और कलाई से हाथ की उंगलियों तक। कभी भी अपना सर आगे की तरफ झुकता है, अंगूठा भी आगे की तरफ झुकता है, पीछे नहीं जाता है। ऐसे ही पैर भी अपना एक ही साइड कवर करते हैं तो वो ऐसा ही हाथ घूमता है, हाथ और पंजा। ये इसी तरह अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर है। ये आप सबको समझ में आया आगे का? हाँ समझ में जी। अब ये गर्दन के पीछे जो आजकल एक स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम सबको रहती है, उसके पॉइंट्स यहां मिलते हैं, ये वाले। और बैकबोन के पॉइंट अगर नीचे से है, जो आजकल L4 L3 जिसमें सबको परेशानी रहती है, वो यहां मिलते हैं इस जगह पर। अपनी दोनों किडनियां यहां पर होती है इस जगह पर। ये देखिए यहाँ बैकबोन के पॉइंट है, सबको कलर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। और ये बैकबोन का यहाँ सीधा, इसमें सुजोक में जो आपका शरीर का हिस्सा बीमार है उसको सिर्फ देखना है आपको कि क्या बीमारी है, बाकी उसको हम टच नहीं करते। वो परेशानी हमको हाथ में मिल जाती है, हाथ में पैर में। अब ये वाली चीज आपको सबको समझ में आई, हाथ और पैरों की? अब जैसे अपने इसके बाद में इसका इलाज करना बताऊं, क्योंकि दीदी बहुत डिटेल में है तो सबको इसमें समझना आसान रहेगा, वो ठीक रहेगा ना? ठीक है, ठीक ठीक है, आगे बढ़िए जी। अब जैसे आपको गर्दन में दर्द है, गर्दन में मतलब ऐसा घुमाने में आपको तकलीफ होती है, तो अपन टूथपिक का बैक साइड ले सकते हैं जब तक आपके पास ये नहीं हो तो, और उसको हाथ को ऐसे अपनी थाइस पर रखिए या कहीं रखिए और इसको यहां पर दबाकर देखेंगे। एक बीच में लाइन, अभी सबको अनुभव नहीं है तो एक लाइन बना सकते हैं और ऐसे चेक करेंगे उसको, चेक करने के लिए। इसमें जी जो हाथ है वो कोई भी ले सकते हैं कि लेफ्ट? जी अगर स्पॉन्डिलाइटिस का या कमर का या किडनी का करेंगे तो कोई भी हाथ ले सकते हैं। अच्छा। मतलब किसी भी हाथ में दबाव प्रेशर दे सकते हैं? जी दोनों हाथ और दोनों पैर में अपने पॉइंट हैं। अपने को करने में इजी ये रहता है कि राइट हैंड अपन यूज करते हैं तो लेफ्ट में मिल जाता है। अच्छा जी। अगर जैसे आप, मैं यहां से बताती हूँ, सर में दर्द है किसी को, तो सर में अपन ऐसा अंगूठा किसी चीज पर रखेंगे, अपनी थाइस पर या किसी पर, और फिर अंगूठे को ऐसा दबा के इस ये जो आंखों के ऊपर का एरिया है उसमें ऐसा चेक करेंगे। चेक करने का ये तरीका है, इसको यहाँ टच किया और थोड़ी देर प्रेशर देकर देखेंगे, आधा मिनट, 10 सेकंड, 15 सेकंड ऐसा चेक करेंगे, ऐसे कुछ एक दो पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट कहता है यहाँ टच मत करो, इतना दर्द होता है उसको, जब दर्द हो रहा होता है उसको। ये बात, ये सारा हिस्सा सर का है यहाँ तक। अब किस
कि आजकल आंखों की परेशानी स्क्रीन के कारण बहुत हो गई है, आई साइट वीक हो गई है सबको, आंखों से पानी आना, आंख लाल होना, तो इसके लिए ये दोनों आंखों के पॉइंट है। मैं आपको अभी इससे बता रही हूँ, फिर मैं ज्यादातर अपने साधु संतों के कलर थेरेपी से करती हूँ इलाज, क्योंकि मेल साधु हैं उनको टच नहीं कर सकते, तो ये वो खुद कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ। तो आप ये जो आंख के पॉइंट है इस पे ब्लैक कलर करके छोड़ दीजिए। अगर आंख में सूजन है, लाल रंग लाल हो रही है, पानी आ रहा है, तो ये काला रंग इस पर कर सकते हैं। ये नाक का पॉइंट है, ये दांत का पॉइंट है, दांत मुंह मुंह में छाले होना, जो मुंह की परेशानी है वो सब यहां मिलेगी आपको। इसमें आप ऐसे दबाकर दांत के लिए देख सकते हैं, तो आधा हिस्सा ऊपर के दांत है, आधा हिस्सा नीचे के दांत है। आप ऐसे पास पास दबाकर देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि अगर ऊपर के साइड में, राइट साइड में चौथा दांत दुख रहा है, तो यहां भी चौथा ही दुखेगा। इस इलाज में, सुजोक में ये एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, तो आप आसानी से दांत का ढूंढ सकते हैं। फिर ये गला यहां पर आ गया, ये वाला हिस्सा, अगर अपने जुखाम से, ज्यादा बोलने से गले में दर्द है, जैसे अपने पर्यूषण होते हैं तो हमारे सबको बहुत बोलना पड़ता है, तो मैं यूजुअली सबको कहती हूँ यहाँ पर लाल रंग लगा के रखें प्रवचन देने से पहले, तो 8 दिन आराम से निकल जाते हैं, गला दर्द नहीं करता। या ये फिर लंग्स का एरिया आ गया है, यहां पर और यहां पर। वैसे दीदी मैंने ऐसा मतलब जो सीखा वो तो अलग चीज है, लेकिन जो मैं बताती हूँ उसमें मैं सामान का कम बताती हूँ, क्योंकि साधु संतों के पास चीजें नहीं होती हैं। हाँ। तो वो सिर्फ हाथों से ही कर सकते हैं एक दूसरे का इलाज, तो मैं जो भी बताती हूँ तो वो ऐसा बताती कि भाई वो खुद कर सके बिना सामान के। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि कई बार मैंने देखा जब उनको तबीयत ठीक नहीं है तो उनके पास मैग्नेट नहीं होती है, तो अपने को मिट्टी में जो कंकर मिलता है छोटा, वो कंकर भी अगर उस पॉइंट पे लगा दिया जाए टेप से, ये एक सर्जिकल टेप आती है व्हाइट कलर की पेपर टेप, उससे लगा दिया जाए तो कंकर भी उतना ही असर करता है। इसके बाद हम लंग्स वाले एरिया में आते हैं, अगर जैसे खांसी है, जुखाम है, तो ये ऐसा दबाने से, या ये बड़ी वाली जिमी होती है, इस वाली से हाथ को नीचे सपोर्ट देंगे और यहां से ऐसा दबाएंगे। प्रेशर कितना देना है इसमें? प्रेशर देते हुए मरीज को देखना है कि उस वो सहन कर सके। अच्छा। और हल्का भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई जादू तो है नहीं, जब तक वो अंदर तक असर नहीं करेगा, जब तक वो फायदा नहीं होगा, तो वो तो करना ही पड़ेगा। अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, या वैसे हाथ देखकर महसूस हो जाता है कि इस शरीर में क्या परेशानी चल रही है, लेकिन जब तक अपना वो अनुभव नहीं है, तो ये हिस्सा लंग्स का, जैसे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनका इस तरह का होता है फूला हुआ, लेकिन धीरे धीरे अपन अपने बॉडी में अपन बहुत कम ऑक्सीजन लेते हैं और जल्दी जल्दी छोड़ते हैं, डीप ब्रीथ नहीं करते, तो अपने लंग्स कम काम करना शुरू कर देते हैं, उसमें कम ऑक्सीजन जाती है, तो ये हिस्सा सूख जाता है। तो सूखने से, जैसे सूखी खांसी होना, या जल्दी जल्दी सांस भरना, वजन उठा के थोड़ी दूर चलते हैं तो सांस भरने लगता है, तो वो परेशानी आ जाती है। उसके लिए अपन ऐसे 4 उंगलियों को साथ रखेंगे और ऐसा ऐसा दबाएंगे, हाँ ऐसे। और अगर नहीं तो अपने ये वाला हिस्से को इस जगह पर रखेंगे और ऐसे दबाएंगे, ये बहुत आसान है ये वाला दबाना। उसमें सुजोक में ये है कि मरीज खुद अपना इलाज कर सकता है, दूसरे की यूजुअली उसको जरूरत नहीं रहती है। अब इसके बाद आगे चले, ये यहाँ लंग्स का हो गया, यहाँ हार्ट हो गया, अब ये पेट का हिस्सा आ जाता है, ये वाला। वैसे मणिपुर या अपना चक्र है ये बीच वाला, मणिपुर चक्र, इसको अलग अलग चक्र मानते हैं सब जने, कोई किसी को का इस, ये मेन है यहाँ पर बीच का, पेट का। अब जैसे एक धरण सरकने की बीमारी अपने यहाँ बहुत ज्यादा है, आपने भी सुना होगा ना, पेट में
नेवल सरक जाती है, नेवल डूटी डूटी टड़क जाए, हाँ हाँ वो सरक जाती है, तब उसको कैसे चेक करें और कैसे ठीक करें, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। अपना हाथ को इस तरह देखिए, तो यहाँ से मिलाइए नीचे, ये जो रेखा होती है यहाँ से अपने हाथ को ऐसे मिलाइए, सारी रेखा एक दूसरे से मिलनी चाहिए। अगर मिल रही है तो आपका पेट बिल्कुल ठीक है, मिल रही है पूरी जी। जिस दिन अपने अपसेट हो जाता है उस दिन ये रेखा आगे पीछे हो जाती है। अच्छा, तो जब अगर आगे पीछे हो जाए तो उसको कैसे ठीक करें, तो इसके लिए बताती हूँ। जो जो रेखा छोटी पड़ रही है जो रेखा छोटी पड़े उस हाथ को थाइस पर रखकर ऐसा करके मुक्का मारेंगे, ऐसे 3 से 5 बार मुक्का मार के और फिर ऐसे उंगलियों को खींचेंगे तो ये नेवल ठीक हो जाती है, अपनी जगह पर आ जाती है। ये बहुत आसान है, नहीं तो लोग ठीक कराने जाते हैं, एलोपैथी में तो इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये ऊपर चढ़ती है तो उल्टियां होती है, नीचे चढ़ती है तो दस्त होते हैं। तो ये ऐसे अपन अपनी नेवल को चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ आते हैं, लेडीज को यूजुअली प्रॉब्लम है यूरिनरी बर्निंग की, बहुत ज्यादा होती है। हाँ, बहुत लोगों को बहुत हो जाती है, तो इसके लिए ये वाला पॉइंट है बहुत आसानी से बिना दवा के ठीक होता है। सिर्फ आपको ये थंब को यहाँ रखना है और इसको 5 times क्लॉकवाइज 5 times एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इसको अंगूठे को। अगर आपके दर्द है तो प्रॉब्लम है, अगर दर्द नहीं है वहां पर तो कोई, और जिनको ये वाली लंबी प्रॉब्लम चलती है वो इस जगह को टच नहीं करने देते, उनको इतनी तकलीफ होती है। ऐसे कॉन्स्टिपेशन अपने यहाँ एक बड़ी बीमारी है, उसके लिए कब्ज जो हो जाता है बहुत लोगों को, उसके लिए ये जो पीछे वाली जगह है, लोग बोल रहे हैं वो नेवल वाला, फिर से बता दीजिए जी। बताते अपने हाथ को दोनों को ऐसे सामने रखिए, रिस्ट के पास जो एक नेचर ने लाइन बनाई है उस लाइन, ये दोनों लाइन आपस में मिलाइए, अगर अगर आपकी नेवल ठीक है तो पूरी ये सारी लाइनें आपस में मिलेंगी, अगर नेवल अपनी जगह पर नहीं है तो ये लाइन आपस में नहीं मिलेंगी। आपस में नहीं मिलेंगी मतलब ऊपर नीचे होंगी क्या? जी जी बिल्कुल, आप देखिएगा, आपको देखेंगे तो आपको लगेगा ऐसा भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो जाती है अपने आप। पहली बार सुन रहे हैं, जिस हाथ की रेखा छोटी पड़ रही है उसको अपनी थाइस पर रखिए और दूसरे हाथ से ऐसा मुक्का मारिए। छोटी पड़ रही मतलब ऊपर नीचे हो रही तो? जी जी, एक की तो बाहर निकल जाती है और एक अपने आप छोटी हो जाती है। अपन कितनी भी कोशिश करें ये रेखाएं आपस में नहीं मिलेंगी, जब अगर पेट अपना ठीक नहीं है तो ये नहीं मिलेंगी। तो जिस हाथ की छोटी है उसको ऐसा मुक्का मारिए और थोड़ा थोड़ा उंगलियों को खींचिए और वो वापस सेट हो जाती है। अपने यहाँ कहते हैं ऐसा करने के बाद कुछ खा लेना चाहिए, एक बिस्किट या कुछ खा ले तो ठीक रहता है। अब समझ में आया सबको? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब ये वाला हो गया यूरिन, एक कॉन्स्टिपेशन का हो गया कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज जो हो रहा है, तो अपन ये वाली जो जगह थी यूरिनरी ब्लैडर की, इसको 5 times क्लॉकवाइज और 5 times एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसको ऐसा बाहर खींचेंगे। आपको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं, पेट साफ करने की कुछ नहीं, सिर्फ इसी से काम हो जाता है।
ये ऐसे दो उंगली इधर है, क्योंकि देखिए ये पैर है ये हाथ है, तो इनको साइड में कर दिया अपन ने, दोनों पैर के बीच की जगह ले ली ये वाले। और पांच बार एंटी क्लाइमेक्स, पांच बार जी जी जी, और करके फिर इसको ऐसा खींच देंगे। अब अपने को हो, या फिर अपना अपने को हो रहे दस्त, डायरिया हो गया किसी को, तो उसके लिए क्या करें, तो ये बाहर करने से तो मोशन हो जाएगा, और इसको अगर अंदर करेंगे तो दस्त ठीक हो जाएंगे ऐसे। अब जैसे गर्दन में आजकल बहुत सबको दर्द रहता है, तो पहले आपका पॉइंट चेक करिए इससे, क्योंकि कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बैठे रहते हैं तो गर्दन यहां से दर्द करने लगती है, तो ये वाला ये पॉइंट चेक करिए कहां पर दर्द है, और उसमें रेड कलर का ये मार्कर आता है, ये मार्कर लगाकर छोड़ दीजिए। आप थोड़ी देर में ही देखेंगे कि आपकी गर्दन घूमने लगी आराम से। ये गर्दन के यहां तक का हिस्सा हो गया, इस जगह तक। कहां पर दर्द है ये पेशेंट बताएगा तभी मालूम चलेगा कहां तक दर्द है। ऐसे ही कमर में आजकल बहुत दर्द रहता है सबको, तो पहले पेशेंट से पूछिए किस साइड दर्द है, एकदम लास्ट टेल बोन में है, उसके ऊपर है, बीच में है, कहाँ है, ये वाली जगह टेल बोन की है। फिर आप सीधी लाइन देख लीजिए उसको कहाँ दर्द है। इस सुजोक में अपन अपने को वो जगह टच करने की जरूरत नहीं होती है जहां पर तकलीफ है। अपन इसी से इलाज कर सकते हैं। अब अगर कमर में, अभी यहाँ पर ग्रुप में जो लोग बैठे हुए हैं उनको, उनसे पूछिए किसी को अगर दर्द है तो ये चार उंगली यहाँ पर रखेंगे अपनी एक साथ, और इनसे थंब यहाँ हो गया, और ऐसे हिलाएंगे इसको ऐसा। और ये कमर का दर्द आसानी से कम हो जाता है। अब अपने आजकल कंधे का दर्द ये भी बहुत रहता है सबको, कंधे के दर्द के लिए ये वाला पॉइंट, ये कंधे का है, ये वाला कोहनी का है, ये कोहनी का पॉइंट इस जगह आएगा। अगर रिस्ट में तकलीफ है तो इस जगह आएगी, और आगे उंगलियों में या कहीं तकलीफ है तो वो इस जगह आएगी। हमको ये भी देखना है कि दर्द हमारे किस साइड है, इस वाली साइड है या इधर की साइड है। अगर बैक साइड में है तो पीछे मिलेगा, अगर इधर वाली साइड में, हिन साइड में, तो यहां मिलेगा। ऐसे ही पैरों में घुटनों की तकलीफ रहती है, ये यहां पर। अगर आपको हाई बीपी नहीं है तो आप यहाँ इस जगह पर रेड कलर लगाकर छोड़ सकते हैं। अब घुटने वाले दर्द वाले पेशेंट से पूछना होगा कि उसको घुटने में दर्द कब होता है, सीढ़ियां चढ़ने पर, पैदल चलने पर, बैठकर उठने पर, ये वो खुद बताएगा कहाँ कब दर्द होता है उसको, क्योंकि सबके नी प्रॉब्लम अलग अलग होती है। उसके लिए हम इधर इस हिस्से में पॉइंट चेक करेंगे, फिर ये एड़ी वाली परेशानी यहां पर मिलेगी, और इसके बाद आगे पंजों की परेशानी यहां पर मिलेगी। अब नी की अगर प्रॉब्लम है किसी को, तो जैसे सीढ़ियां चढ़ते हुए दर्द होता है, तो अपन इस हाथ को ऐसा घुमा के फिर अंदर की तरफ देखेंगे, तो वो दर्द आराम से मिल जाता है, जहां पर उसको दर्द है वो मिल जाता है। अगर किडनी में कोई परेशानी है तो यहाँ दो, ये किडनी होती है, यहाँ काला कलर लगा सकते हैं, या किडनी बीन होता है राजमा,
किडनी भी इनको लगा सकते हैं यहाँ इस जगह पर। एक परेशानी हाई बीपी, ये भी अपने यहाँ बहुत ज्यादा है आजकल। हाई बीपी के लिए ये ब्लैक कलर को, इस हिस्से को पूरा कवर कर देंगे। इस तरह से ये कलर धरे भी इतना आसान इलाज है। आईबीपी के लिए ऊपर के हिस्से को कलर कर रहे हैं, मतलब जहां से आईबीपी होता है, मतलब मस्तिष्क, उसको अपन ने ब्लैक कर दिए, तो वहां से आपका वहां कोई काम होगा ही नहीं ना, तो आपको टेंशन आएगा ही नहीं जी, ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और क्या, क्योंकि काला रंग रात ठंडी होती है और लाल रंग दिन गर्म होता है, तो अपन ने सर को ठंडा कर दिया, पूरे कलर को, उसको सर को मान, उसको सर माने और उसको ठंडा कर दिया जी। अगर डायरेक्ट और डायरेक्ट को यदि यहीं पे लगा ले तो सर भैया लगा सकते हैं ये तो जोक हो गया, नहीं नहीं तो बाल तो काले ही है ना, बाल तो काले कलर से ढका हुआ है, तो फिर और जल्दी ठंडा हो जाएगा, काले कलर का कैप पहन लीजिए नहीं ऐसे मैंने ना इसका भी सीखा हुआ है, सर का अलग है, फेस का अलग है, टंग का अलग है, बीच में थोड़ा थोड़ा लोगों को लगना चाहिए हंसने का, इसलिए बोल दिया नहीं सही बात है, अगर हाई बीपी है तो अपन, ज्यादा बीपी है तो ये पांचों को, पांचों की टिप्स को काला कर सकते हैं। हाँ ए, मैंने बताया ना, ज्यादा जगह लगाओगे तो जल्दी और ठंडा होगा, जल्दी हो जाएगा ये। और लो बीपी है तो अपन डायरेक्ट सर को गर्मी नहीं देते हैं। सपना जी बोल रही है, सपना जी खंडवा से बोल रही है, विनय भैया को ज्यादा कलर करना पड़ेगा लेकिन मेरे भैया को हाई बीपी होगा जब ना, हाई बीपी तो होता ही नहीं मेरे को नहीं होना भी नहीं चाहिए भैया एक माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत रहती है आजकल, माइग्रेन के लिए ये जो उंगली के बीच का हिस्सा ये वाला, ये सबका सॉफ्ट होना चाहिए यूजुअली, ये वाला इसको सब चेक करके देख सकते हैं, एकदम बहुत पतला नरम होना चाहिए ये वाला। और ये इस हिस्से को अपने को रोज एक बार संभाल लेना चाहिए कि सॉफ्ट है ना, क्योंकि थोड़ी सी भी टेंशन होती है इस जगह पर हार्डनेस आ जाती है। अच्छा वो ठीक है अनिला जी, उसके बाजू में यदि हार्डनेस आती है, जैसे अंगूठे में जहां अपना गला बताया ना आपने, जी जी हाँ, वहां पे यदि हार्डनेस आती है और दर्द बहुत होता है, जैसे हम फिंगर थंब कहते हैं ना, फिंगर थंब जैसे बोलते जी, उससे क्या होगा? नहीं उससे ये दो चीजें हैं, या तो आपका यहाँ पर टच ज्यादा, आप कोई काम करते हैं ना, जैसे कई बार देखिए हाँ, ये अपना हाँ, अंगूठा है लेफ्ट हैंड हाँ, हाँ, और ये जो पोर्शन है अंगूठे का यहाँ हाँ, ये पॉइंट अच्छा, ये बहुत हार्ड है और ये दबाव, तो जैसे मान लो दर्द हो रहा है यानी अंगूठा भी अपन फोल्ड कर रहे हैं तो आवाज हो रही है इसमें, खट सी जैसे आवाज हो रही है, कर नहीं सकते फोल्ड, यानी बहुत दर्द और बहुत आवाज होती है जैसे फोल्ड करे तो जी, और तो यहां इसके यहाँ कुछ ऐसे हो जाता है एकदम टाइट, इसके लिए क्या है? इसके लिए दीदी एक रेड कलर को यहाँ पर लगाएंगे, एक मिनट में स्पॉटलाइट लेती हूँ आपको, क्योंकि उसके बाजू का हो गया ना, आप जो बता आपने यहाँ बताया हाँ, ये पोर्शन और तो जो आप बता रहे अभी उसका वो उसके बाजू में बता रहे हैं तो इस आप यहाँ बता रहे हैं ना हाँ हाँ, तो आप इसका क्या करिए, तो रेड कलर कर दीजिए और एल्युमिनियम फाइल होती है जिसमें अपन खाना पैक करते हैं हाँ, उसमें थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी रखिए, उसको यहाँ पर लपेट कर टेप लगा दीजिए, ये सर्जिकल टेप आती है ये पेपर की हाँ, सर्जिकल टेप, ये वाली टेप आती है सर्जिकल टेप हाँ, ये टेप एल्युमिनियम फाइल, मतलब पहले रेड कलर करिए फिर एल्युमिनियम फाइल पे फिटकरी पिसी हुई रखकर उसको लपेटिए और ये टेप लगा दीजिए पूरी रात के लिए ठीक। अच्छा तो उससे आपका वो दर्द भी कम हो जाएगा और वो जगह सॉफ्ट हो जाएगी। चलिए ठीक, कई बार अंदर की परेशानी से यहाँ बाहर वाली भी तो हो सकती है ना, स्किन अपने हाथ की भी परेशानी हो सकती है हाँ,
अब जैसे आपको इसका पॉइंट ढूंढना है कि अंगूठे का यहाँ आपको दर्द है, तो आपकी जो पहली उंगली है इंडेक्स फिंगर, इसमें आपके इस जगह पर दर्द होगा यहाँ, अगर आप टूथपिक से देखेंगे तो करीब इस जगह पर आपको दर्द आएगा। समझ, क्योंकि अंगूठे का जॉइंट में दर्द है। तो आप ऐसे किसी नीचे सहारे से देखिए और फिर रखिएगा। टिंगर थम कुछ बोलते बोलते इसको ना, कुछ टिंगर, वो अलग अलग ट्रीटमेंट में अलग अलग लैंग्वेज हो जाती है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा अपन एक्यू प्रेशर करते हैं, उसमें अलग अलग आंख कहीं में है, कान कहीं है, इसमें सब कुछ एक अपने शरीर की जैसे है। तो आपको ढूंढने में बड़ी आसानी रहती है। अगर कान में परेशानी है तो ये साइड का दबा के देखिए, जिनको होती है आपको वो तुरंत बताएगा यहां से हटाओ, मेरे बहुत दर्द है इस जगह पर। ये अगर अपना गला बोलने से खराब हो जाता है तो अगर गर्म यहाँ पर लाल रंग लगाने से बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। ऐसे जॉइंट्स में महाराष्ट्र वगैरह बिहार करते हैं तो उनको पैरों में तकलीफ रहती है, अगर ये दोनों पैर की उंगलियां लाल करके चले पूरी इस पैन से तो पता भी नहीं चलता कितना लंबा विहार हो जाता है। ये दोनों उंगलियां लाल कर लेते हैं पूरे, तीनों भी चीज उसकी पूरी उंगलियां फुल, यह जी पूरा ही करना पड़ेगा, पैर चलने में पूरा काम आता है। अच्छा, पूरा यहाँ से यहाँ तक, जैसे अपने भी कभी थकान हो रही हो, कोई पैर दुख रहा हो ना अचानक, तो या तो ये तय कर ले कौन से हिस्से में दर्द है उसको रेड कर ले। अगर पूरे में दर्द है तो आप एक दिन, मतलब एक बार करें तो आपको समझ में आएगा कितना आसानी से दर्द निकल गया बिना कुछ करे। एड़ियों में भी दर्द होता है ना किसी के, तो ऊपर का जी, पोर्शन दे। हाँ, जी एड़ियों में दर्द है तो वो इस जगह पर मिलेगा, ये वाला जॉइंट है। तो इसमें लाल रंग करने से और एक्यूरेसी, भाई कहाँ पर एड़ी में दर्द है वो आप ढूंढेंगे। इसमें मैंने आपको बताया डार्क कलर की स्किन है, लाइट कलर की स्किन है, आप ये देखेंगे कि किधर की तरफ दर्द है, वैसे ही हाथ को रख के उस जगह पर ढूंढ सकते हैं जहां पर, तो ये वाली आसानी होती है। अब जैसे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बहुत लेडीज को हो जाती है, तो उसके लिए मतलब अगर ऑपरेशन नहीं कराना और थोड़ा सा पेशेंस रखें तो बड़े आराम से ठीक हो जाता है। बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रहा हो तो डॉक्टर या तो टेबलेट देते हैं या फिर भाई आप हॉस्पिटल में आइए। तो इसके लिए ये रबर बैंड होता है एक, जो अपने मिठाई वगैरह के डब्बों में आता है, इस रबर बैंड को ऐसा लगा लेते हैं इस जगह पर। सिंगल ना जी, मतलब आपके बॉडी के हिसाब से आपको थोड़ा टाइट तो होना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइट करना। हाँ, मैंने दो बार लगाया। अच्छा, डबल लगाया ना जी, मध्यम दो उंगली के बीच में। लेकिन इसमें क्या है, रबर बैंड को अपने को एकदम से खींच के नहीं निकालना है, नहीं तो वापस ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। अच्छा, तो बहुत धीरे से हाथ को सॉफ्ट करके फिर ऐसे धीरे से निकाल देते हैं तो ब्लीडिंग बंद हो जाता है, इससे कम हो जाता है। और अगर इसको दिन में 5-6 बार लगाएं तो धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। अच्छा, ये वाला एक जैसे अपन कुछ बात कितनी देर के लिए लगाना है, ये इसमें क्या है, जितनी देर वो सहन कर सके पेशेंट, जितनी देर सहन कर। ये एक अपने कपड़े सुखाने की क्लिप्स आती है। हाँ, ये सबको रखनी चाहिए, ये ऐसा अगर लगा लेते हैं इसको, लगाने के बाद हाथ को ऐसा नहीं लगाना, ऐसे ही रखना है। इसमें भी जितनी देर आपको सहन हो उतनी देर लगाएं। अगर आप सुबह एक बार लगा लेते हैं, अगर नॉर्मल है मतलब अभी कोई बीमारी नहीं है, तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे, कोई थकान का काम नहीं रहेगा। इसको निकालने के बाद 10 मिनट पानी नहीं पीना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लगा रहने दीजिए, कहीं परेशानी है, इरिटेशन हो रहा है तो निकाल, जिस उंगली में हो रहा है उसकी निकाल दीजिए। ये बहुत आसान इलाज है और ये सबको एक बार दिन में कर लें तो स्वस्थता बनी रहती है।
सबको आ गया होगा ना ये समझ में? हाँ, पांचों पॉइंट में अपने पांच तत्व है ना, इसको दबा जी जी, तो इसमें जहां पर अपने नाखून खत्म होता है बस वहीं तक लगाते हैं इसको, तत्वों को दबाते हैं। हाँ, इसी का एक इलाज और है, अगर अगर ये क्लिप नहीं है तो अपन रबर बैंड को भी इस तरह लगा सकते हैं ऐसा करके। अच्छा, ये पांचों में, क्योंकि अपने महाराष्ट्र वगैरह के पास तो धागा होता है वो ज्यादा इजी होता है उनको, तो वो क्लिप नहीं लगा सकते, तो ये वाले लगा लेते हैं, रबर बैंड या धागा। और इसको भी एक साथ नहीं निकालना, एक एक करके निकालना है धीरे धीरे। अगर आप बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है, तो दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। बुखार बिना दवा के आपके भम बीजाक्षर से, कांबर से और इससे एकदम उतर जाते। बहुत बढ़िया। ये रबर बैंड का, ये वाला क्लिप का आप, मतलब मैं खुद भी अपने बाहर जाती हूँ तो क्लिप लेकर जाती हूँ, जिससे आसानी से क्लिप का बहुत आसान बता दिया आपने। जी, क्लिप में क्या है, बस ये खरीदते हुए ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा हिस्सा फ्लैट होना चाहिए। हाँ, अंगूठे में लगे ना। जी हाँ, कई कई है ना, थोड़ा डीप होता है, बाहर निकला हुआ तो चुपता है। प्लेन ये, हाँ ये क्लिप है, आप सबसे आसान है, इसमें पांचों भी तत्व आपके बैलेंस हो जाएंगे। जी जी, आजकल हाँ। एक नई क्लिप भी आ गई है, इसमें मैग्नेट लगी हुई है, तो अच्छा, वो इस तरह, हाँ ऐसे मैग्नेट है इसमें, तो ये भी कर सकते हैं। ये देखना पड़ेगा मार्केट में, ये एक्यूप्रेशर वालों की दुकान पर मिलती है सामान्य। अनिल जी के घर में, गांव में मिलेंगी तो वहाँ चली जाओ। नहीं नहीं, आ जाइएगा दीदी, अनिल जी भेज देंगे ना दीदी, बिल्कुल आ जाइएगा, जयपुर में सब चीज मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अनिला जी के लिए क्वेश्चन है कि अगर महाराष्ट्र आपको सर्दी लगे तो उसके लिए कोई कुछ उपाय है क्या? और एक पीठ के दर्द के लिए भी पूछ रहे हैं। जी, पीठ का दर्द आप बताइए कहाँ पर है, मैं अभी बताती हूँ पीठ में किस साइड पर दर्द है। तो किसी का मैसेज आया है कि पीठ के दर्द के लिए बताएं। हाँ, और सर्दी के लिए मैं कुछ कलर बताती हूँ हाथ में लगाना, और अगर ये रनिंग नोज है उसके लिए थोड़ा अलग होता है। देखिए, कलर के, अगर जुखाम खांसी शुरू हुआ है तो अपन क्या करें, यहाँ पर ये हाफ तो यहाँ होता है, पर उससे ऊपर थोड़ा यहाँ पर रेड कलर लगाएंगे। ये दो यहाँ और एक इस उंगली में लाइन और एक इस उंगली में लाइन, ऐसा अगर ज्यादा जुखाम है तो चारों में कर सकते हैं, चारों मतलब दोनों हाथ दोनों पैर में। ये कितनी देर तक रखना है इसको भैया? मैं तो, हम लोग जुखाम, हम लोग दवा नहीं लेते हैं बिल्कुल, एलोपैथी मेडिसिन। तो जब जुखाम, अगर ये कलर 2-3 दिन अगर जुखाम ठीक हो जाता है तो अपने आप बॉडी को इरिटेशन होता है, अपने को लगता है इसको निकाल दो। नहीं तो एक बार लगाएंगे फिर नहाएंगे तब हाथ साफ करेंगे। जी, तो उसके बाद दोबारा लगा सकते हैं। अच्छा, ये बिना दवाई का इलाज है तो आपको करना तो पड़ेगा। 2-3 बार कभी भी लगा सकते हैं। जी लगा, आराम से लगा सकते हैं। ये दोनों हाथ, ये मैं कभी आगे मिलेंगे तो बताऊंगी, सुजोक में ही मेरिडियन का ट्रीटमेंट है, तो ये अपन बाद में बताएंगे। तो अभी आप सिर्फ ये सीख लीजिए, यहाँ कलर और ये दोनों कलर जुखाम के लिए। जी, जुखाम के लिए, और ऐसा चार दोनों हाथों में, और ज्यादा जुखाम है तो दोनों पैरों में। अनिला जी, एक मैसेज है कि टेल बोन में पेन है किसी के। जी, टेल बोन में है, तो देखिए ये चार उंगलियां अपनी एक साथ करिए और उसको यहाँ ऐसा अंदर डालिए, पूरा अंदर डालना होगा, और थंब को यहाँ रखना होगा, फिर इसको ऐसे ऊपर नीचे करेंगे ऐसा। आप उनसे पूछिए, ऐसा करके बताएं कि वहां उनको दर्द है, बहुत दर्द होगा अगर टेल बोन में दर्द है तो। थोड़ा प्रेशर से करना होगा नहीं तो मालूम नहीं चलेगा। ये ऐसा, नहीं नो पेन कह रही है, पेन नहीं है। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता इतने सालों में, ये देख, वो उनको करना नहीं आ रहा होगा। देखिए, चारों उंगलियों को एक साथ इसके अंदर डालना है ऐसा, पूरा अंदर डालेंगे,
और फिर हिलाएंगे। अपन टेलबोन को तो टच नहीं कर रहे हैं, तो उनको घबराने की कोई बात नहीं है। अपन तो हाथ में से ढूंढ रहे हैं उनका पेन। अगर थोड़ा भी दर्द होगा उसको वहां मिलेगा, और उनके ज्यादा है तो जरूर तकलीफ होगी यहाँ पर। ये इस जगह पर अगर उनको नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ रेड कलर लगा के उनको कहिए, यहाँ पर रेड कलर लगाएं, इस जगह पर लगाएं। और ये वाली दोनों थंब मिलाने से दर्द हो रहा है। दोनों थंब कैसे कैसे दोनों थंब मिलाए? ये देखिए चार उंगली है यहाँ लगाई है अपन ने, और पीछे थंब रखा है सपोर्ट के लिए। हाँ। और फिर इन उंगलियों को अंदर डालना है इसके, ऐसा हिलाना। हाँ, आप कह रही है पेन हो रहा है, पक्का होगा, इतना तो इतने हाँ। सालों में ये सीखा। कह रहे हैं पेन हो रहा है, हो रहा है ना, तो वो उन्होंने सही नहीं किया होगा ना। अब उनको कहिए, उनको बीपी या कुछ तो नहीं रहता ना? पता नहीं दीदी। हैंड रेज कर दीजिए, हम उनको स्पॉटलाइट ले लेते हैं। कोई बात नहीं, नहीं तो मैं ऐसा बताती हूँ, यहाँ पर कलर कर दीजिए रेड कलर, इतना यहाँ तक। वेरिकोस वेन्स का भी पूछ रहे हैं। हाँ, मैं बताती हूँ ये एक मैं एसिडिटी का बताती हूँ, ये भी बड़ी परेशानी है सबके साथ। हाँ। एसिडिटी में लेफ्ट हैंड में यहाँ पर ब्लैक कलर करिए, ये रिस्ट की जो लाइन है उससे थोड़ा ऊपर। एसिडिटी के लिए, हाँ एसिडिटी के लिए ये करिए, ये वाली मुद्रा करिए, लिटिल फिंगर को थंब से टच करिए, इंद्र मुद्रा जी, और मुंह नाक से सांस लेके मुंह से छोड़िए, और नहीं तो मुंह से लेकर मुंह से छोड़िए, मुंह से लीजिए और नाक से अपने आप निकल जाएगा। इतनी उसी समय रिलीफ हो जाता है एसिडिटी का, कितनी भी तेज जलन हो रही हो आपको तुरंत आराम मिलेगा। नहीं तो अपने ये वाली, ये वाला करते हैं मुद्रा, खेचरी मुद्रा बोलते हैं। ये एसिडिटी, अब इसका वेरिकोस वेन्स के लिए इसमें आपको वो बताती हूँ। ये वाला जो अपने जो पैर की उंगली है ये बीच की, इनको ऐसे मसाज करनी है, तो दबाकर अरे जिनके पास मान लो समय नहीं है या पॉइंट सर्च नहीं कर पाए जी, जितने पॉइंट आपने बताए हैं जी, जिन लोगों ने पॉइंट सर्च नहीं कर पाए कि इस पॉइंट इसके दर्द के लिए क्या पॉइंट है, तो समय उनके पास काफी है, तो वो सभी पॉइंटों को थोड़ा थोड़ा कर लें तो आपके सभी पॉइंट ठीक हो जाएंगे। जी भैया कोई नुकसान नहीं है। अपन देखिए सर दुखता है तो अपन ये नहीं देखते किसी से भी दबवाते हैं, कहीं से भी दबाओ। अपने पैर में दर्द होता है तो अपन पूरे पैर की मालिश कराते हैं, कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है एवं बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो मन में वहम है कि हमसे गलत दब गया तो हम दूसरे से कराएं। हमको डॉक्टर जो पार्क जी वो थे, उन्होंने कहा कि अगर मरीज खुद ठीक होना चाहता है तो उसको खुद कहिए पॉइंट ठीक करने के लिए, क्योंकि उसके मन में जीने की इच्छा होगी तो वो खुद करेगा। देखिए ये एक रिंग आता है सुजोक का, मेटल का, इसको अंदर ऐसा डालते हैं उंगली में इस तरह, और ऐसे चारों उंगलियों से दबाकर ऐसे घुमाना है इसको, वो नीले डब्बे में नीचे। ये जब तक अपनी उंगली लाल हो जाए जब तक घुमाते जाना है इसको, हिला के देखो ना, हिलाओ बजेगा। तो वेरिकोस वेन्स में ये बड़ी आसानी से इसका इलाज कर देता है, और जब तक नहीं है तब तक आप उसकी मालिश कर सकते हैं वैसे ही उसे दबाकर। अनिला जी एक मैसेज है कि एंकल पेन में चलना मुश्किल हो गया है। देखिए एंकल पेन में जिस पैर में है राइट
अगर राइट में है तो राइट हैंड की मिडिल फिंगर में रखा था ना पूरा, उसको यहाँ से रेड कलर कर दीजिए पहले तो सब सामने, और दूसरे पैर की ये वाली उंगली जो आपको पैर का पॉइंट बताया उसको रेड कलर कर दीजिए यहां से। ये इस तरह करना होगा, ये ऐसा रेड कलर करेंगे। और अगर ज्यादा पेन है तो इस रेड कलर पर एल्युमिनियम फॉइल आती है, ये ऐसे एल्युमिनियम फॉइल को कट करके और यहां लपेटेंगे और ये सर्जिकल टेप लगा देंगे, वो अपने आप वहां पर ठीक हो जाता है। डाइजेशन के लिए पूछ रहे हैं, डाइजेशन के लिए खाना खाने के बाद दोनों हाथों को इस तरह रब करके एक तो गर्म करना चाहिए ऐसा, जब तक वो गर्म नहीं हो जाए ऐसा घुमा के, लाल हो जाता है ऐसा रब करने से हाथ, तब छोड़ना चाहिए, इससे थोड़ा डाइजेशन ठीक हो जाता है। उनको कहिए खाते हुए चिंता नहीं करें, खुश होके खाएं, धीरे धीरे खाएं चबाकर, आधी परेशानी दूर हो जाएगी। लो बीपी के लिए पूछ रहे हैं, लो बीपी के लिए रेड कलर को एक तो यहां लगाएंगे इस जगह पर जहां भी सर्दी के लिए मैंने बताया था, यहां पर, यहां पर, और ज्यादा लो है एकदम अचानक तो फिर इस जगह भी रेड कलर करेंगे। दोनों हाथ में कर सकते हैं, बहुत जल्दी एनर्जी आती है और जल्दी ठीक हो जाता है। देखिए एक दो और ये तीन, तीन कलर, और ये क्लिप्स लगाइए लो में। रेड कलर अकेले करना है कि कुछ दबाना भी उधर? नहीं, नॉट बीपी के लिए ये ठीक है, बस खाली कलर। अच्छा हाँ, और अगर दबाना है तो फिर क्या करेंगे, अगर ज्यादा लो हो रहा है तो इसको ये रबर लगा के एकदम झटके से निकालेंगे थोड़ी देर बाद। हाई बीपी में रबर लगाकर बहुत धीरे निकालते हैं, ऐसे लगाया फिर थोड़ी देर रहने देंगे जितना उसको सहन हो। जिनको हाई बीपी होता है उनको रबर लगाओ तो 10-10 मिनट तक लगे रहने देते हैं, कहते हैं बहुत आराम मिल रहा है। मतलब जिनकी हाई बीपी से लाल आंखें हो रही हैं वो भी आप खुद देख के आश्चर्य होगा, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है इसको लगाते। और ये धीरे धीरे निकालिए, ये तो हाई बीपी में हो गया, लो में झटके से निकाल देंगे। अच्छा अंगूठे में ही लगाना है? जी अंगूठे में। हाँ, और कलर करना है तो ये दो जगह आपने बताया। कलर अपन दिमाग को डायरेक्ट नहीं देते तो यहाँ रेड नहीं लगाएंगे, रेड को यहीं लगाएंगे, यहाँ और वहां दो जगह। जी, और जो वीक है इम्यूनिटी वीक है उनको इस जगह पर तीन ब्लैक कलर देंगे, यहाँ पर एक दो तीन इस जगह पर। बार बार बीमार हो जाते हैं कुछ। यहाँ इनको फुल कर देंगे तीनों को ब्लैक कलर से। इस तरह तीन कलर लगे, जो बार बार बीमार हो जाते हैं जल्दी जल्दी तो ये तीन कलर लगा सकते हैं। देखिए कुछ लोग पूछ रहे हैं रिकॉर्डिंग हो रही है क्या, तो इसका आईवीएस हीलिंग सेंटर के पेज पे लाइव हो रहा है, आप लोग कभी भी जाके आईवीएस हीलिंग सेंटर के पेज में रिव्यू कर सकते हैं और धीरे धीरे स्लो स्लो करके रुक रुक के उसको देख के लिख सकते हैं। आईवीएस हीलिंग सेंटर का पेज फेसबुक। अब मैं वैसे आपको थोड़ा सा टिप्स देती हूँ, जैसे अपन सुबह उठते हैं तो अपने को बॉडी स्ट्रेच करके इस तरह से बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर ही उठना चाहिए। अपने प्रकृति में देखें तो सबसे कम कुत्ता बीमार होता है
और वो इसीलिए कम बीमार होता है क्योंकि वो जब भी सोता है उठता है तब स्ट्रेच करता है और अपन झटके से उठ जाते हैं। तो कभी भी बिस्तर छोड़ें तो हमेशा स्ट्रेच करके तभी उठना चाहिए। सुबह नंगे पैर बाहर खुली हवा में खड़े होकर सूरज को देखते हुए नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें कम से कम 10 से 11 बार, तो आपको सांस की प्रॉब्लम या थकान कमजोरी नहीं रहेगी। अपने आप सबको धन्यवाद दें सुबह उठकर कि आज का दिन, आज की नई सुबह आप देख पा रहे हैं। इसके लिए प्रकृति को, परिवार को, सबको धन्यवाद देना चाहिए। उससे अपन अपने अच्छा रहता है, पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। ये रबर बैंड और क्लिप कोशिश करें एक बार जरूर लगा सके। अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, सबको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है खुले में रहने से, तो इसके लिए जैसे नहाते वक्त अगर मुंह में पानी भरकर नहाने की आदत डालें, मुंह में पानी भरें, नहाते हुए उसको भरे रखें, कपड़े पहने जब उस पानी को निकाल दें, तो आपको सर्दी की प्रॉब्लम कभी रहेगी नहीं, कभी जुखाम नहीं होगा। अपने जो जोड़ों में दर्द या हाथ पैरों में दर्द होता है, इसके एक कारण यह है कि अपन अपनी बॉडी के जो जंक्शन पॉइंट है उनको टच नहीं करते। उसके लिए अपने को ये सारे जंक्शन पॉइंट होते हैं, ये पैरों में, थाइस के बीच में, घुटनों के पीछे, इनकी हर रोज नहाते वक्त एक बार मसाज करनी चाहिए। उससे काफी कुछ दर्द या ज्वाइंट पेन जो आजकल चलता है वो नहीं होगा। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा आपने सब कुछ जानकारी अच्छे से दी है। इसकी रिकॉर्डिंग IVS हीलिंग सेंटर के पेज पे मिल जाएंगी आप लोगों को, और डॉक्टर रचना जी के फेसबुक पे भी मिलेगा ये, और हम यूट्यूब पे भी इसको डाल देंगे, तो आप लोग डॉक्टर रचना विजयन के यूट्यूब पे जाके इसको देख सकते हैं। लेकिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 100 सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए आज कम से कम, नहीं तो फिर हम लोग बाकी तो ठीक है, लेकिन आप सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं लगता, आप उसको सब्सक्राइब की बटन जरूर दबाइए, बेल भी दबा दीजिए, आपको बहुत सारी नई नई चीजें मिलेंगी। अनिला जी, प्रेस पार्टिसिपेंट्स का रिक्वेस्ट है कि एक बार और आपका सेशन रखा जाए, तो फिर कभी आपका एक और सेशन रखेंगे हम लोग। नहीं, फिर कभी क्यों रखेंगे, इसको कल ही ले लीजिए, कंटिन्यूशन में रखेंगे तो आपको जल्दी रिव्यू हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर बाद में लोगों को भूल जाएंगे। कल 3 से 4 एक सेशन होगा। कल अगर अनिला जी को टाइम है तो आप भैया पहले पूछ लेते हैं इनसे। हाँ, पूछ लीजिए, कल और ले लीजिए, 2 दिन आपका सेलिब्रेशन हो जाएगा। 6 बजे से कलकत्ता ब्रांच का भी है। हाँ, इसीलिए देख लीजिए आपको अगर ठीक रखे, नहीं तो आगे फिर कभी। अभी सबको ये जो सीखा है इसको एक बार करने दीजिए, सबको कुछ समझ में आता है। ठीक है फिर, क्योंकि मैंने तो काफी इजी रूप में बताया है सुजोक को, जिससे हाँ, आप सब उसके बाद IVS की हीलिंग सेंटर के पेज में जहाँ छूट गया आपका, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। हाँ, एक बार फेसबुक में देख के, IVS हीलिंग सेंटर के फेसबुक में सब लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम लोग इनका सेशन दोबारा रख लेंगे। हाँ, थोड़ा, हाँ सही बोल रहे भारती जी, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, करके देखिए, फिर एक बार रख सकते नए साल। और जिनके वीडियो बंद है वो वीडियो चालू करने की प्रैक्टिस करें। अर्चना दीदी, पसंद आया आपको, ठीक लगा? हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत सुंदर बताया अनिला जी आपने, बहुत इजी, मतलब इजी है सुजोग, तो आप आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। मेरे पास उसके ये भी रखे, देखिए आपके ये रखे हुए हैं, देखो आप दीदी। अनिला जी और भी बहुत चीजों में बहुत एक्सपर्ट है, तो हम लोग आगे धीरे धीरे इनका और भी सेशंस रखेंगे, बहुत चीजें की जानकारी है। मैग्नेट क्या, छोटे वाले? हाँ, बटन मैग्नेट। हाँ, मैंने किया था पहले। रिंग भी, इसके रिंग वगैरह भी होंगे हमारे पास है ये। नहीं तो रिंग का क्या है, ये तरीका है ना, बताते नहीं है, बस रिंग को आपको जब तक घुमाना है जब तक उंगली लाल नहीं हो जाए। अच्छा, तो जब लाल होगी ऐसे दबाकर घुमाएंगे ना, तभी लाल होगी। देखिए, ऐसा डाला उंगली में और ये चारों उंगली से ऐसा घुमाना है दबाकर। हाँ, क्योंकि अपनी जो अंदर नसें हैं उन्हीं में ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ है, इसीलिए दर्द है। तो अपन ऐसा बराबर घुमाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी जगह आएंगे।
तो ये बहुत जल्दी फायदा करती है, आपको बहुत चीजों की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम मेरा परिवार, हम लोग एलोपैथी मेडिसिन कहीं कोई नहीं लेता, सिर्फ इससे सब काम हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जानकारी दी आज अनिला जी ने जी, और धन्यवाद सबको। आगे आपसे लेते रहेंगे और भी सेशन आपके अनिला जी। नंबर आप अपना शेयर कर दीजिए, सभी लोग अपने नंबर नोट कर लेंगे। नंबर मांग रहे हैं, नंबर दे दीजिए अनिला जी आप। हाँ मैं अनिला जी, अनिला जी आप अपना नंबर बोल दें। 98 नोट कर लेंगे, चैट बॉक्स में डाल दीजिए भाग दीजिए। अनिला जी का भी फेसबुक पेज और यूट्यूब होगा, उसको भी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं है भैया, मेरा तो इन्होंने प्रतिमा जी ने कहा था, इसलिए मैंने ले लिया। नहीं, मैं सिर्फ अपना परिवार या अपने जैन साधु संतों का ही करती हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से हूँ। जयपुर, चलिए। हाँ बहुत बढ़िया। ऐसे मेरे को सीखे तो बहुत साल हो गए, 96 में मैंने डिप्लोमा किया था सुजोक में, तो काफी साल से कर रही हूँ मैं। अच्छा, नंबर बोल दीजिए। नंबर जी 9828329001। फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। 9828329001। चलिए बहुत बढ़िया भारती जी, धन्यवाद। अनिला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और सबको इतनी अच्छी जानकारी दी, और आशा करते हैं सभी इससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर उठाएंगे। हाँ, मजा भी तब है कि सब सीखें और करें तो फिर अच्छा लगता है। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ अपना आज का अनुभव शेयर करेंगी सुमन जी। जय जिनेन सभी को, बहुत अच्छा सेशन रहा। मैंने पहले भी सुजोग के बहुत सेशन अटेंड किए हैं, बट मैं थोड़ी देर में बोर हो जाती थी, बट आज का सेशन तो मैं सोते सोते उठ के बैठ के आ गई और बहुत अच्छे से बहुत सिंपल वे में समझाया, तो पूरा समझ में आ गया है। अनिला जी आप कोठारी है क्या? अनिला कोठारी जी जी जी, मेरे पास तो नंबर सेव है आपका। कहाँ से आया भाई अनिला कोठारी के नाम से? हाँ नहीं, आपसे आपके 2 साल से सेशन अटेंड कर रहे हैं, बताइए। अच्छा, इसलिए आपका नंबर है मेरे पास, कभी आपने फोन किया होगा। आपके इतने ध्यान, आपके इतने बीजाक्षर, सब कुछ करती हूँ मैं, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, इसलिए आपका नंबर मैं अभी डाउनलोड कर रही थी ना, तो इसमें आ गया अनिला जी कोठारी का जी। चलिए और बहुत धन्यवाद अनिला जी आपको, धन्यवाद आप सबको। हैंडरेज करिए जिसको भी शेयर करना है अपने अनुभव, और ना आपका टाइमिंग बता दीजिए, आपको कब फोन कर सकते हैं अनिला जी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो घर में रहती हूँ, मेरे को ऐसा नहीं है कुछ भी। चलो ठीक है, और किसी को शेयर करना है अनुभव? हैंडरेज बहुत से हैं, हाँ एक एक को लेते जाते हैं हम। हिमानी पपलकर, ध्यान रखिए कल 6:00 6:30 कर देंगे, 6:30 पे कलकत्ता वाले हमारे बिंदु जी ने भी वर्षगांठ पर एक प्रोग्राम रखा है। बिंदु जी यदि हो तो अपना ओपन कर लीजिए वीडियो, तो आपको जानते हैं। आज फ्राइडे है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ जय जिनेन्द्र सभी को, मुझे अनिला जी से ये पूछना था कि मेरे हाथ बहुत ही रूखे हो जाते हैं, यानी ऐसे क्रैचेस आ जाते हैं ऐसे, और ये जो स्किन रहती ना यहाँ के नाखून के पास की, वो दुखती है, तो उसके लिए क्या करें जी? उसके लिए हाँ, उसके लिए आपको पानी धीरे धीरे पीना चाहिए, और जितना आप पानी पीते हैं उससे डबल करिए। अच्छा, जितना पानी पीती हूँ उससे डबल करो, और धीरे धीरे पीजिए। हाँ यहाँ पे सूजन भी आ जाती है ये नाखून के पास। मैं एक बार अपने क्लास का लिंक शेयर कर दो ना, 6 to 5 वाला। तो एक तो आपको पानी ज्यादा पीना है, आईवीएस दूसरा वाला। दूसरा नेवल में जो ऐसे घी, थोड़ा घी लगाइए। अच्छा, नेवल में नहीं, यानी यहाँ पे क्यों? जी जी नहीं, नाभि क्या बोलते हैं आप उसको? हाँ नाभि में घी, ऑयल लगाती हूँ, ऑलिव ऑयल। नहीं सुनिए, नाभि में घी लगाइए,
थोड़ा अच्छा 1/4 स्पून और रुई लगाकर टेपिंग कर दीजिए। क्या लगा के? रुई लगाकर टेप लगा दीजिए ताकि वो घी उसमें लगा रहे, भरा रहे, लगा रहे। अच्छा। वो सेशन जो है बिंदु जी का वो कल ही है, कल संडे है, कल शाम को 6 बजे से सेशन है, कल शाम को बहुत अच्छा सेशन रहेगा, वो भी आप लोग कल भी ज्वाइन करिए। ठीक है। हाँ। तो आप नाभि में घी लगाइए और ये पानी को ज्यादा पीजिए धीमे धीमे कर। अच्छा, धीरे धीरे पीना है मुझे पानी। फास्ट पीते हो पानी? नो, फास्ट नहीं पीना है क्योंकि वो दिख रहा है स्किन बहुत ड्राई हो गई है आपकी। हाँ, बहुत ही यानी पूरा ये हो गया, ऐसे क्रैचेस आ गए। और एक के पास जगह भी दुखती है मेरी यहाँ की। हाँ, तो और एक प्योर ग्लिसरीन आती है बाजार में, मेडिकल शॉप पे मिलेगी। हाँ, वो लगाकर रात को और ग्लव्स पहन के सो जाइए, कॉटन ग्लव्स आते हैं। ओ, उंगली पे लगो, पूरे हाथों पे लगो, पूरे हाथ में मालिश करनी होगी। और ग्लिसरीन? हाँ, पूरे हाथ में ग्लिसरीन लगाकर ग्लव्स पहन के सो जाइए। अच्छा, हाँ, थैंक यू दीदी। ठीक है, फिर मुझे बताइएगा कैसा रहा आपको। बिल्कुल, जरूर बताएंगे। ठीक है। हाँ, और किसका हैंड रेज है उनको ले लेते हैं। जय जिनेन्द्र भारती जी, बधाई हो बहुत बहुत। हाँ बिंदु जी, थैंक यू सो मच, कल आपके क्लास के लिए भी बोल दिया दीदी ने आपका भी कल सेशन का। हाँ, कल 6:30 बजे जुड़ जाइएगा, मैंने 7 बजे का दिया है, उनका श्रवण भैया रहेंगे। हाँ, जो योगा और आयुर्वेदा के स्पेशलिस्ट हैं। हाँ, तो वो 7 बजे ज्वाइन करेंगे, अपने पहले थोड़ा सा सेलिब्रेशन और मंगलिक पहले कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा हुआ, और वो बच्चा तो इतना अच्छा किया उसने। हाँ, 6:30 बजे ज्वाइन होना है ना। हाँ जी। हाँ भैया, अब और सुजोग का भी बहुत ही अच्छा बताया दीदी ने, बहुत सिंपल वे में और बहुत अच्छा बताया उन्होंने। तो बिंदु जी, आपके इसमें सभी ज्वाइन करेंगे कल, जो बैठे हैं यहाँ पे सबको मैसेज मिल गया है। ओके ओके, सभी ज्वाइन करेंगे। और अगर 12 पार्टिसिपेंट्स का हैंड रेड है भैया, अगर किसी को लेना हो तो ले लीजिए आप। हाँ ले लो, आप लीजिए ना, आप लीजिए, आप चालू करिए। मैं करूँ? हाँ करिए आप। थैंक यू बोलती हूँ मैं तो थोड़ा सा उठ रही हूँ भारती जी, समय हो गया। ओके, जय जिनेन्द्र दीदी, थैंक यू सो मच। आप आए हैं दीदी, थैंक यू अनिला जी, बहुत सुंदर, थैंक यू, बोला अनिला जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पसंद आया? बहुत अच्छा, मैंने सीखा हुआ है सुजोग, मेरा रिवीजन हो गया, 25 साल पहले सीखा था। आप न्यूज भैया, आप ही को लेना होगा, मेरे इसमें आ नहीं रहा है ठीक से। जिनको भी लेना अपने हैंड एक बार रेस कर दीजिए भैया, एक बार सबको अनम्यूट कर दें आप तो आ जाएंगे। संगीता जी, हाँ चलिए, मंजू जी, हेलो, हाँ मंजू जी, आप पूछें। मुझे पूछना था जो ये जेनेटिक के लिए है उसका क्या होता है? अनिला जी है ना अभी? हाँ हाँ, अनिला जी आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आप क्लियर बताइए, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरी बच्ची छोटी 2.5 साल की, तो उसको जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसके लिए पूछना था मुझे। मतलब एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है वैसे ये? एक्चुअली उसके यहाँ पे हाइपोलेशिया है, जो हेड है, दोनों हेड के बीच में, उसको जॉबर्ग सिंड्रोम है।
मतलब इसके कितनी बड़ी है? अभी 3 साल की हो जाएगी, फेब में, फरवरी में 3 साल की कंप्लीट हो जाएगी। तो वैसे वो मतलब बोलने करने में सब में ठीक है? वो अभी बोलती भी नहीं है और चलती भी नहीं है, उसके मसल्स भी वीक हैं, जॉब वर्क सिंड्रोम की वजह से बैलेंसिंग प्रॉब्लम आ रही है उसको, सब चीजें फेस की है उसने। देखो इसके लिए है ना, आपको दोनों पेरेंट्स जो हैं उनको कुछ करना होगा, क्योंकि ये प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है। तो आप दोनों साथ बैठकर, और वो वहां वापस आपको पीछे जाना होगा और उसके आपके मन में ये महसूस करना होगा कि मेरा बच्चा नॉर्मल है। क्योंकि ये ना, ये प्रेगनेंसी मतलब जब आपने कंसीव किया उस टाइम की प्रॉब्लम है ये। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन देकर, एक तो ये तो सबसे पहले करना होगा, ध्यान करते हैं अपने, और ये या तो आप किसी के अंडर में करिए, तो अभी तो छोटी है, आप सही टाइम में कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये रिजल्ट मिलेंगे अगर आप इस तरह कर पाएंगे तो। और दूसरा उसका जो हाथ है बच्ची का, हाथ और पैर, उसको आप जितना वो प्रेशर सहन कर सके, खाली पेट, उसने खाना नहीं खाया हो उस टाइम, उसके पूरे हाथ को ऐसे दबा दबा कर मसाज करनी होगी। अच्छा, ये ना ये किसी के, ये हो जाती है, लेकिन आपको किसी के अंडर में करना होगा ध्यान का, बहुत आसानी से इसके रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ये उस टाइम की प्रॉब्लम है अभी की जो बच्ची में आ गई है। तो ऐसा कुछ लोग कराते हैं, ध्यान आप ढूंढेंगे तो हो जाएगा। आप दोनों साथ बैठ के करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बच्ची के प्रति। और वो थोड़ा अग्रेसिव भी हो जाती है तो उसके जी, वो हाँ देखो ये अपना जो हाथ है, हाँ, और पैर, जब भी आपके पास आए बच्चा और खाली पेट हो तो ये सारे पॉइंट करते हैं उसके, ऐसा पूरा, ये सारे उंगली, पैर, ये सर का पॉइंट है सारा, आगे से पीछे से जब उसको निलाए मालिश करें तो ये जरूर करें, ये सारे पॉइंट, ये चैनल्स होते हैं ना, इनको पूरा मसाज करते रहने से बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा होता है। तो अग्रेसिव तो इसलिए होती है कि वो पेट, उसका पेट भी ठीक नहीं है और उसका उसको कॉन्स्टिपेशन है आपने, तो ये जो जगह है ये वाली, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए होती है ये वाली, तो ये भी, हाँ ये भी करिए, ये गर्दन के यहाँ से देखिए, उसका ये वाला जो बीच का हिस्सा सर का, वो भी उसको दर्द करता होगा, वो टच नहीं करने देगी, आप देखना। हाँ वो टच नहीं करने देती है, बार बार ऐसे से करती है उसको सिर पे। तो आप कैसे करिए, उसमें घी ले सकते हैं या तेल ले सकते हैं, लेकिन प्योर होना चाहिए उसको। फिर यहाँ पर थोड़ा कुछ बोलते हुए, पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हुए यहाँ थपथपाइए उसको इस जगह पर। भक्तामर का पहला नंबर श्लोक भी कर सकते हैं इसके साथ में, या 45 नंबर का श्लोक, हाँ वो बहुत साथ में बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मंजू जी का हो गया, तो मैं अब किसी और, संगीता जी जैन को ले लेती हूँ। जाओ बुला रहे, संगीता जी जैन आपके क्या प्रॉब्लम है बताइए अनिला जी को। दीदी आपको, हाँ दीदी मेरे को ये कहना कि मेरे को एक कंधे में जैसे प्रॉब्लम होती है, तो कंधे के लिए क्या करना पड़ेगा? कंधे के लिए पहले आप है ना, ये नाखून में बीच की जो जगह है इसको चेक करके टूथपिक से या किससे बताइए मुझे कौन सा पॉइंट दुख रहा है आपको। समझ में आ, नहीं समझ में आ रहा, नहीं बीच का पॉइंट समझ में आ रहा है, इधर से दोनों के इधर बीच की साइड, हाँ ये बीच की लाइन है ना, इसमें दर्द होगा आपको। हाँ, तो आप एक तो ऐसा करिए, ये जो उंगली है ना इसमें यहाँ रेड कलर लगा के छोड़िए चारों तरफ, हाँ चारों तरफ, दोनों हाथ, हाँ आपको दोनों कंधों में दर्द है? जी जी दोनों कंधों में होता है, हाथ पीछे करने में होता है, ऊपर करने में भी होता है मुझे दर्द। और अच्छा, तो
में गर्दन के पॉइंट पे भी होता है थोड़ा दर्द। तो आपको क्या करना है, तो ये ऐसे हाथ करके ऐसे मालिश करिए यहाँ से ऊपर, नीचे से ऊपर, यहाँ भी दर्द होगा आपको। हाँ जी, यहाँ पे भी दर्द होता है, मैं उस दर्द पे करती हूँ। तो ये जगह है, आप इसमें कोई हल्की बाम लेकर कुछ लेकर फिर इसकी मसाज करिए, ऐसा दिन में दो बार। यहाँ पर रेड कलर लगाइए इस जगह पर, ये एक तो यहाँ लगाइए इस अंगूठे में, अंगूठे के बीच वाली लाइन में, पूरे में। हाँ, बीच में बिल्कुल। और एक इस उंगली में बीच में कलर लगाइए, आधी उंगली दीदी रेड कलर, दोनों हाथों में करिए आपको। हाँ, इस उंगली में यहाँ तक कर लीजिए जी, इधर तक होती थी। नीचे के जॉइंट्स पे आप कर रही थी ना, कंधे वाले जॉइंट्स पे, वो तो आपको रेड कलर लगा के छोड़ना है। यहाँ हाँ, रेड कलर की लाइन खींचनी है इधर और इधर, अंगूठे पे भी जी। और दीदी जैसे मुझे हाई बीपी भी रहता है, हाई बीपी भी रहता है जी, मेरा बीपी हाई रहता है। देखिए, हाई बीपी के लिए तो पूरे सेशन में बताए हैं जी जी जी, तो ये यही करना है। हाई बीपी एक तो है ना, फिर क्लिप लगाइए आप, रबर बैंड या क्लिप उंगलियों की टिप्स पर लगाइए जी, पूरे उंगलियों की टिप्स से, ठीक है। और ये जो क्लिप बताई थी मैंने, ये लगाइए जी। और जितनी देर सहन हो, अगर 5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लगा के रखिए, तो आपका आपका ज्यादा दर्द तो उसी से ठीक हो जाएगा, इसी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बीजाक्षरों में थम बीजाक्षर करिए, थम। हाँ बिल्कुल, अब अनिला जी आपको अगर अभी खाने में देरी तो नहीं हो रहा, आपका टाइम अगर है तो ले, नहीं तो फिर सेशन को नहीं ले, अगर आपको कन्वीन, मैं शाम को खाना नहीं खाती, आपको लेना है तो ले लीजिए। तो मैं एक दो जन को और ले लेती हूँ, करुणा जी नाटा को मैं ले लेती हूँ, भैया इनको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, करुणा जी नाटा। हाँ, जय जिनेन्द्र। अनिला जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। माइग्रेन के लिए क्या, बहुत माइग्रेन के लिए है। माइग्रेन के लिए कितना टाइम हो गया आपको? माइग्रेन मेरे, मतलब असल में मेरे ना जवाई बाबू को है और बहुत साल से है। अच्छा। हाँ। तो जब उनको हो रहा हो ना माइग्रेन का पेन शुरू होने वाला हो, तो हाँ, एक तो ये वाली जगह दबाइए। आप दिख नहीं रहे, एक मिनट मैं ले रहा हूं। अनिला जी आप एक मिनट, अनिला जी कहां गए? हाँ। ये वाली जगह दबाइए। अनिला जी दिखाई नहीं दे रहे भैया? अनिला जी दिख रहे हैं अभी? हाँ तो ये जगह दबाइए। और अगर दर्द हो रहा है, कहाँ कहाँ, इंडिया में है बाहर है? नहीं, दिल्ली में है, दिल्ली में। अच्छा, नहीं तो यहाँ एक बर्फ का आइस क्यूब को थैली में रखकर यहाँ पर थोड़ी देर पकड़ के रखने से माइग्रेन का दर्द बहुत जल्दी ठीक होता है। अच्छा अच्छा, इस जगह पर बर्फ का टुकड़ा पॉलिथीन में लपेट कर लगाएंगे तो बहुत जल्दी कम हो जाता है। अच्छा। और ये क्लिप्स लगाने, उनको क्लिप्स भी लगाने चाहिए। अच्छा, डेली लगाए? हाँ, क्लिप्स डेली लगाने में कोई परेशानी नहीं है। और आईज भी अगर डेली लगाए, उनका क्या है पता नहीं, अभी कुछ नहीं दुख रहा और एक अचानक जोर से दर्द हो जाएगा और 2-3 दिन तक उठ ही नहीं सकेंगे, बहुत उल्टी होगा उनको। हाँ, तो जब उनको दर्द होता है ना, तो इन लोगों को पता चल जाता है कि अब हमको शुरू होने वाला है। शुरू होने वाला है। हाँ, तो उस टाइम में यहाँ इस जगह पर, यहाँ भी काला रंग कर सकते हैं इस एरिया में। हाँ, और क्लिप्स उनको कहिए एक दिन में 3-4 बार लगाएं जब उनको तकलीफ हो। अच्छा अच्छा। और एक स्किन प्रॉब्लम के लिए? स्किन प्रॉब्लम लंग्स के कारण या स्टमक डिस्टर्ब होने के कारण है? कोई क्या चीज है ज्यादा? ज्यादा चेहरा है और ना पेट पांव। अच्छा,
तो ब्लैक 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 है ना, चटके हो गए हैं ब्लैक कलर के, तो उनको पानी में फिटकर ही घोल कर पीना चाहिए। अच्छा अच्छा। और दूध का प्रोडक्ट, हाँ एक तो बेकरी आइटम बंद कर देने चाहिए। अच्छा, बेकरी आइटम से बहुत जल्दी रिएक्ट होता है, उसमें ब्रेड भी आती है, बिस्किट भी आते हैं, केक बिस्किट ब्रेड। अच्छा अच्छा। जो सोडे वाली चीजें होती है, बेकिंग पाउडर सोडे वाली, वो चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। अच्छा। वो रिएक्ट करती है बहुत जल्दी स्किन पर। ऐसा कोई पॉइंट है कि क्लिप और लगाए उसे? वो लंग्स के कारण होता है, तो उसमें ग्रीन कलर, मतलब जैसे अगर हरे रंग का ध्यान करें इस टाइम में तो उनको आराम रहता है। अच्छा। ग्रीन कलर से जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो इनका अनिला जी हो गया, अब एक मैं इंदु बाला जी बच्चावत को ले लेती हूँ। तो आप अपने प्रॉब्लम्स बताइए इंदु बाला जी बच्चावत। थैंक यू दीदी। मैं आपको स्पॉटलाइट में ले रही हूँ, आप एक बार नीरज जी कुछ पूछ रहे हैं। जय जिनेंद्र। हाँ, हेलो, पूछिए पूछिए। मैं ये पूछ रही थी, मेरे कमर में बहुत पेन रहता है, तो कौन सा पॉइंट दबाना चाहिए आप बता सकते हैं? जी देखिए, कमर के लिए ये अपनी दो उंगली इधर है, दो इधर है, इसमें चारों उंगलियां अपनी यहाँ रखिए, दूसरे हाथ की चारों उंगलियां एक साथ करके इसके अंदर डालिए। ठीक है। और फिर उन जितना अंदर डाल सके उतना डालिए, और फिर थंब से यहाँ सपोर्ट दीजिए, एक साइड थंब आ जाएगा, और फिर इन उंगलियों को हिलाइए। अच्छा, हिलाना है। हाँ, आपको दर्द हुआ क्या? हाँ दर्द तो रहता है, है हाँ, दर्द है। हाँ तो वो करिए रेड कलर करना चाहिए। कितनी देर की देर करना चाहिए? आप दो मिनट करिए, दो तीन मिनट, दिन में चार पांच बार करिए। ठीक है। अगर ये मुद्रा कर सके तो ये करिए। कमर का दर्द मतलब टेल बोन? जी टेल बोन नहीं, टेल बोन नहीं है, टेल बोन नहीं है, टेल बोन नहीं है। तो कहाँ? उसके ऊपर? हाँ थोड़ा सा ऊपर की साइड में। हाँ तो फिर ऊपर की साइड है, इसका मतलब यहाँ से दर्द है आपको इस जगह से। अच्छा, तो आप ऐसा करके कलर रेड कलर लगाना होगा। ओके, यहाँ पर रेड कलर लगाइए, और इस उंगली में इंडेक्स फिंगर में हाफ रेड कलर लगाइए नीचे से, हाफ रेड कलर जी इंडेक्स फिंगर में। और अगर मुद्रा कर सके तो ये मुद्रा करनी चाहिए, ये दोनों छोटी उंगलियों को। ठीक ठीक है, थैंक यू। अब इंदु बालाजी बच्चावत को ले लेते हैं भैया। हाँ इंदु बालाजी बच्चावत, आप बोलिए, अनम्यूट कर दीजिए भैया इनको। अनम्यूट करिए आप अपने आप को। हाँ पूछिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। मुझे घुटने का बहुत प्रॉब्लम है 10-12 साल से, चलने को नहीं, बैठने को नहीं, उठने को नहीं आता है। तो आप, मैं बताऊंगी वो कर सकेंगे? हाँ चलेगा। अच्छा, आप कोई बीपी वगैरह तो नहीं है आपको? बीपी है तो गोली लेती हूँ मैं उसका। अच्छा लेता है, तो आप ऐसा करिए, बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है। अच्छा, दोनों हाथों को ऐसे फंसाइए, ऐसे ना, ऐसे। दीदी दिख नहीं रहे आप?
देखिए ऐसे फंसाइए फिर इन एक हाथ को तो रोक लीजिए, दूसरे से ऐसे खींची उंगलियों को ऐसे, नहीं आपने गलत करा, उंगलियां हथेली की तरफ रहेगी ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा, फिर इनको ऐसा खींचिए एक एक गेट टाइट करके खींचिए, नहीं ऐसे फंसा कर ताके नहीं गलत हो गया, ऐसा डालिए अंदर, अब खींचिए खींचिए अपनी तरफ खींचिए, अपनी तरफ खींचिए उसको ऐसे खींचिए अपनी तरफ, उंगली को बाहर की तरफ खींचिए, पकड़ के खींच, पकड़ के तो खींचने को नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा दीदी, आपको समझ आ रहा है, नहीं तो मैं दूसरा बताऊं, ये तो है दूसरा कौन सा, और दूसरा ऐसा इसको अपनी तरफ करके देखिए ऐसा, और फिर इसको बंद करके ऐसे बैठ जाइए, बंद करके ऐसा टाइट, हाँ, तो ये टाइट होना चाहिए, नीचे से टच होनी चाहिए दोनों सब चीजें, मुट्ठी वो बंद नहीं हो रही पूरी, ऐसा नीचे से टच नहीं होता है, वो धीरे धीरे करने से हो जाएगा, अच्छा तो उससे क्या है पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो घुटनों में आराम आ जाएगा, तो कितना टाइम करने का इसको, अब आप दर्द तो बता रहे हैं इतने सालों से, बहुत सालों से, हाँ तो फिर ये उम्मीद मत कर, बोला मैं डर के मारे मैंने नहीं किया है, नहीं तो आप है ना मैंने बताया ना ये करनी, ये करिए ऐसा, हाँ। रिंग बाजार से रिंग मंगा लीजिए ऐसा, ये वाला रिंग मंगा लीजिए, अच्छा हाँ ठीक है, ये ऐसे 10 रुपए का रिंग आ जाता है 10, और इसको ऐसा मसाज करिए चारों उंगलियों में दोनों हाथों की, ठीक है, और ये मुद्रा करिए ये वाली ऐसा बंद करके, हाँ ये वाली नहीं गलत कर, हाँ पहले इसको एकदम टाइट करिए, अंगूठियां निकाल दीजिए फिर होगी, अभी मत अच्छा, करिए बाद में कर लीजिएगा, ठीक है अंगूठी निकाल के करूंगी, हाँ फिर ऐसे बंद करके बैठ जाइए कम से कम 15 से 20 मिनट दिन में 2-3 बार, ठीक है बस अनिला जी सिर्फ एक और ले लेते हैं फिर क्लोज ऐसा बंद करिए कि बीच में एक गड्ढा हो, दो टाइप से बंद होता है, एक ऐसा बंद होता है जिसमें दोनों उंगली मिलती है नीचे में, देखो ऐसी जी अपने को ऐसे टाइट नीचे तक टाइट बंद कर, हाँ ऐसा, और एक ऐसा सिंपल बंद होता है, सिंपल नहीं सिंपल वाला तो अपने को सर्दी लगती है जब करते हैं, हाँ ऊपर उंगली नहीं होना इसमें, उंगली आपकी नीचे होना, नीचे होना ऐसा, ये वाला, और ऐसा करेंगे तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है ऐसा, जी जी ठीक है, हाँ। भैया बस एक लास्ट ले लेते हैं, लास्ट थैंक यू भैया, मधु जी थैंक यू, मधु जी बोहरा है जोधपुर, उनको एक ले लेते हैं लास्ट, हाँ फिर सेशन एंड करेंगे, बिल्कुल मधु जी, हाँ मधु जी बोरा अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट करिए मधु जी, अनम्यूट करिए मधु बोरा जी, हाँ जय जिनेन सभी को, जय जिनेन, मैं ऐसे कह रही थी मेरे फ्रेंड की बेटी है उसको फिट्स आते हैं, फिट्स के लिए भी कोई इलाज है क्या, फिट्स के लिए ये दिमाग न्यूरो प्रॉब्लम हो गई है ना, हाँ तो ये जो अपने को क्लिप्स लगाने का वो क्या फिट्स कब आते हैं उनको, कोई बात हो जाती है, आ जाता है कोई मालूम हा? नहीं चलता है, कभी भी आ जाता है कोई मालूम नहीं चलता है, नहीं उससे पहले घर में कोई टेंशन हुई हो उसको कोई बात कह दी हो तब आते हैं या कैसे आते हैं, कुछ हैवी खाना खाने के बाद की वजह से आ जाते हैं या कभी टेंशन होती है तो आ जाता है, ये जो क्लिप्स बताई थी लगाने के लिए आ, ये उनको दिन में 2 से 3 बार लगवाइए, आपने अनिला जी ने क्लिप लगाने के लिए बोला है कि जो अंगूठा में क्लिप लगाने उन्होंने बोला, हाँ ये 5 उंगलियों में लगाइए, उंगलियों में हाँ दोनों हाथों में,
चलिए सेशन खत्म करते हैं। हाँ बिल्कुल, सेशन को एंड करते हैं अब। तो मम्मी के हाथ में बाइटे बहुत आते हैं, हाथ पांव में बाइटे बहुत आते हैं, तो जिस हाथ में बाइटा आए ना, हाथ किस हाथ में पैर में, हाथ पांव दोनों में ही आते हैं, पांव में गड़बड़ जिसमें बाइटा आ रहा है ना उसका दूसरा हाथ ऊपर की तरफ उठा दीजिए, खड़ा कर दीजिए। अच्छा, तो वो बाइटा निकल जाता है। और उनको कहिए पानी धीरे धीरे पिए। वो नहीं, हाथ से एक वायु मुद्रा होती है, वो भी उनको करनी पड़ेगी। हाथ को ऐसे ऊपर करना क्या, जैसे इस हाथ में बाइटा आ रहा है ना, तो इस हाथ को ऐसा खींचने से इस हाथ का बाइटा निकल जाता है। और पाम में होता तो ऐसे ही दूसरे साइड के हाथ को ऊपर करिए। अच्छा, और ये वाली मुद्रा करनी होगी उनको, वायु मुद्रा। हाँ वायु मुद्रा। विनय भैया आज का सेशन को एंड करें। हाँ हाँ करिए। अनिला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और विनय भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अनुमोदना कि आप सब जुड़े हमारे साथ। कल भी इसी तरह हमारे दूसरे सेशन में जरूर जुड़िएगा आप सभी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो गया हमारा, और बहुत नॉलेज लोगों को मिला, सुपर डुपर, जैसे कि हमारे हर दिन के सेशन होते हैं जयपुर ब्रांच 3 से ज्ञानवर्धक, ऐसे ही आज एनिवर्सरी में भी एक अच्छा सेशन भारती जी ने हमको दिया, बहुत बढ़िया है, लोगों को बहुत लाभ मिला होगा और लोगों ने बड़े इंटरेस्ट से सब चीज़ सीखी। हमारी एक और विनती है कि आप IVS के हीलिंग सेंटर पेज में जाके या डॉक्टर अर्चना विजयन के यूट्यूब चैनल में जाके इसको रिपीट देखें, और जो जो पॉइंट जहाँ बताए उनको धीरे धीरे आगे बढ़ा बढ़ा के रोक रोक के पॉज कर करके उसको लिख लें, तो आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलिए IVS हीलिंग सेंटर के फेसबुक में भी आपको अर्चना जी का जितना भी वो कराती हैं सब आपको मिल जाएगा, और आज का तो सेशन मिलेगा ही, सभी सेशन मिल जाता है अर्चना जी के IVS हीलिंग सेंटर फेसबुक पे, सभी को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए तो ऑटोमेटिक वो आपको मिलता चला जाएगा। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अनिला जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को बहुत सभी सभी बहुत बहुत धन्यवाद, जय जिनेन्द्र सभी को जिन्होंने भी लाभ लिया है, सभी की ओर से अनिला जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी सुमन जी मन मन मुस्कुरा रही है उनकी तरफ से भी धन्यवाद, सभी लोगों से मतलब पूरा बॉम्बे की ओर से आपको धन्यवाद, विनीता जी कलकत्ता वाली उनके तरफ से धन्यवाद, जितने पार्टिसिपेंट हमारे नीरज जी, नीरज जी कौन थी, नीरज जी है वो, नीरज जी कहाँ वाले पता नहीं, तो उनके तरफ से भी धन्यवाद, सभी की ओर से धन्यवाद, पूरे साथियों की तरफ धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक सेशन दिया, और कल के सेशन में आप जरूर जुड़िए, कल भी आपको कुछ इसी के बारे में योगा के बारे में जानकारी मिलेगी, योगा और आयुर्वेदिक के बारे में, तो जो जो मिलती है उनमें से आप 10% 5% भी फॉलो करते हैं तो आपके कभी ना कभी तो कोई काम आ ही जाएगा, जैसे कि अनिला जी ने 20 साल पहले सीखा था वो आज हमारे काम आ रहा है, बिंदु जी ने भी 15 साल पहले सीखा था वो हमारे काम आ रहा है, अर्चना ने बचपन से सीखी थी तो वो हमारे काम आ रही है, तो इस प्रकार जो भी आज आप सीख रहे हैं आपके स्वयं के या आपके परिवार के काम आने ही वाला है, तो आप जरूर जरूर कल का सेशन का लाभ भी लीजिए, अभी घर में भी कोई ज्यादा काम नहीं है तो सभी लोग ज्वाइन होके जरूर से सेशन को हमें भी मोटिवेट करिए और अपने आप को भी लाभ लीजिए। चलिए भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू भैया, करते हैं अनिला जी को बहुत बहुत धन्यवाद अगेन अगेन अगेन, चलिए लीव करें भारती जी, ठीक है भैया, और बस एक बार हम बोलना चाहते हैं मेरे संगिनी नवकार टीम से भी जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अनुमोदना करती हूँ जो भी संगिनी नवकार टीम से जुड़े हुए हैं, और IVS जयपुर ब्रांच की लिंक भी आप लोग लिख लीजिए, पाठशाला के मैं बच्चों को ज्वाइन करवाइए, जयपुर 3 की लिंक भी आप डाल दिए हैं इसमें डाली हुई है चैट बॉक्स में, आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है भैया, ओके लीव कर रहे हैं, हाँ लीव करते हैं भैया, चलिए IVS के माध्यम से बुक सभी को बुक फ्री ऑफ कास्ट दी जा रही है, बुक्स
सभी को आईवीएस के माध्यम से फ्री आप कास्ट दी जा रही है। संगीता जी कोटा वालों के नंबर पे आप अपने मैसेज डाल सकते हैं। चार बुक, भक्तांबर जी की बड़ी बुक, भक्तांबर जी की छोटी बुक, बीजाक्षर की बड़ी बुक, बीजाक्षर की छोटी बुक, जिसको भी चाहिए अपना पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर और पिन कोड के साथ डाल दें और संगीता जी के नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। जो बुक आपके पास है उसको मत मंगाइए, जो बुक आपके पास नहीं है उसको आप स्पेशल लिखिए कि हमको ये चाहिए, तो वो बुक आपको कोरियर के साथ, कोरियर चार्ज भी आपको नहीं देना है और आपके घर पहुंच जाएगी। ये आईवीएस के माध्यम से ज्ञान दान योजना में ये योजना चालू की गई है। और भी हम आईवीएस का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप मेंबरशिप के फॉर्म भी हम लोग निकालने वाले हैं, आप मेंबर बन जाइए। मेंबर बनने के बाद आपको बहुत सी सुविधाएं हम देने की कोशिश करेंगे। तो ये आईवीएस का एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, आईवीएस का अकाउंट खुल गया है, ओपन हो गया है। उसी आईवीएस के अकाउंट में आप रजिस्ट्रेशन अपना नहीं, आप अपना मेंबरशिप का अमाउंट जमा करके मेंबरशिप ले सकते हैं और मेंबर बनने के बाद आपको बहुत सी सुविधाएं हम देने की कोशिश करेंगे। अभी जो मेंबर हैं या नहीं है उन सभी के लिए हम बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं विथ कोरियर चार्ज। जिसके पास भी बुक नहीं है, हमको संगीता जी के नंबर आप हम चैट बॉक्स में लिख देते हैं या बोल देते हैं, लिख लीजिए, तो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। संगीता जी का नंबर है 982 87 45 130 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे पूरे डिटेल के साथ, तो आपको बुक पहुंच जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट विथ कोरियर चार्ज। चलिए फैसिलिटी के साथ हम लीव करते हैं। और अखंड डीलिंग भी शुरू होने वाली है, 28-29 को अखंड डीलिंग है। जिनको भी अपने मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे है इस महीने, वो अपना नाम जरूर दे दें, संगीता जी कोटा वालों को या दीपा जी दिल्ली वालों को, और फोटो मुझे व्हाट्सएप कर दें, हम पीपीटी बना के उनको दिखाएंगे। लेकिन फोटो वही लोग दें जो अखंड डीलिंग में सहभागी बनेंगे, नहीं तो फोटो देने अकेले से काम नहीं होगा। अखंड डीलिंग में कम से कम नियम लीजिए कि एक घंटे आधा घंटे के लिए हम लोग बैठेंगे और अखंड डीलिंग में भाग लेंगे, तो आपके लिए वो लाभकारी होगा। आप फोटो देंगे, हम पीपीटी में आपका नाम डाल लेंगे, ये हमारा काम तो हम कर देंगे, लेकिन आपका भी अपना फर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी अखंड डीलिंग के दौरान 24 घंटे के दौरान एक घंटे दो घंटे इंस्टॉलमेंट में आप उसको ज्वाइन करें और उसका लाभ लें, ताकि आपको भी उसका फायदा मिले। चलिए लीव करते हैं, दोनों सूचनाएं हमने दे दी और कल बिंदु जी का प्रोग्राम 6:30 से 7:30 बजे तक हो, वो भी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है कलकत्ता ब्रांच का, उसमें योग और आयुर्वेदिक के बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम क्षमा, उत्तम सभा, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय।